السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مؤسسات هم هم سلمانوكيك خصوصية الامتياز هاي تقدیر تقدير مکمل الإيمان هاي اور هنا شاهية. हम यकीन रखें ईमान रखें कि इस सरज़मीन पर कोई एक पत्ता भी अपनी जगह से हिलता है तो अल्लाह की इजाज़त से अल्लाह के हकम से वो अपनी जगह छोड़ता है तो मैं आज उन लोगों से खसूसी तौर पर मुखातब हूँ अल्लाह सलामत रखे जिन लोगों को वबाएँ कोई बीमारी या बिलखसूस कोरोना जो फैला हुआ है जिसके वो शिकार हो चुके हैं सबसे पहले तो मैं उन तमाम के हक़ में दुआ दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको शफ़ाए कामिला नसीब फरमाए अल्लाह ताला उनको सहत आजिला नसीब फरमाए जो कुछ तकलीफ़ उन्हें हुई है या हो रही है या अल्लाह महफूज रखे होगी अल्लाह ताली उनके लिए उसको कफ़ारा बनाए अल्लाह ताली उनके दर्जा की बुलंदी का ज़रिया बनाए मुजसागरीन जो बीमार हैं वो और जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं उन तमाम से खिताब करके मैं यही कहता हूँ कि देखो अल्लाह की इजाज़त से ये मामला हुआ है अल्लाह की इजाज़त से इस आजमाइश का शिकार आप हुए हैं आपको सब्र से काम लेना चाहिए सब्र से आप काम लें क्योंकि आपके रब की इजाज़त से चीज़ हुई है अल्लाह से शफा की उम्मीद रखें जैसा कि आम तौर पर देखा जा रहा है कि किसी को कोविड पॉजिटिव निकल आए तो फौरी तौर पर एक मायूसी की लहर दौड़ने लगती है लोगों में एक मायूसी फैलने लगी है मरीज अपने अंदर कमजोरी महसूस करने लगा है और मरीज ये समझने लगता है कि शायद हो सकता है ये जानलेवा बीमारी हो जाए ऐसा नहीं है कोरोना या कोविड 19 ये एक आम सी वबा है जो जानलेवा बीमारी नहीं है इसका मोर्टेलिटी रेटिव बहुत ही मुख्तर है बहुत ही कम है लौट कर आने वाले बहुत ज़्यादा हैं सेहतियाब होने वाले बहुत ज़्यादा हैं आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए मुस्बत सोच आप रखें अल्लाह से मजबूत उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला आपको यकीन शफा देगा सेहत देगा और मजद्रीन आप यहाँ ये यह भी याद रखें कि जब किसी को कोई मरज़ या बीमारी लाए हो जाए तो अल्लाह के नबी आल वसलाम से शद्दादबन औस रफ़ी अल्लाह ये बात नकल करते हैं कि अगर कोई बंदा मैं उसको किसी आजमाइश में मुबला कर दूँ वो हालत ईमान वाला बंदा हो वो हमेशा मेरी तारीफ में लगा रहे कोई सेहत पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे शिकायतें ना करे सब्र से काम ले तो नबी करीम सलाम फ़रमात हदी कुदसी है कि मैं उसको जब बीमारी से उठाऊंगा तो ऐसे उठाऊंगा जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो जिसका कोई गुनाह नहीं होता है गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ करके उस बीमारी से उसे उठाऊंगा एक और रिवायत में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तो सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी बंदे को किसी आजमाइश में उब्तला कर देता हूँ अब वो बंदा किसी दूसरे के सामने मेरी शिकायत नहीं करता सब्र से काम लेता है अल्लाह की तारीफ करता है अल्लाह की हमदोसना ही बयान करता है तो कहते हैं अल्लाह ताला कि मैं अगर उसके खून में कोई कमी है तो खून उससे बेहतर खून उसे अदा करूंगा अच्छे खून से उसे बदल दूंगा अगर गोश्त में कोई कमी है तो उसका बेहतर गोश्त में उसे बदल दूंगा चाहे बदन के जिस पार्ट में जिस हिस्से में कोई कमी हो अल्लाह ताला उससे बेहतर हिस्सा उसको उससे बेहतर पार्ट उसको अदा कर देंगे ये अल्लाह ताला ने वादा किया है तो ये उम्मीद अल्लाह से आपको रखनी चाहिए ये उम्मीद अल्लाह से आपको रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको यकीनन शफा देगा सेहत देगा सेहत से आपको लौटाएगा कभी नेगेटिव सोच अपने अंदर ना लाएं नबी करीम करीमलाम ने एक मरतबा एक बुज़र्ग की जीारत की इयादत की बीमार पुर्सी के लिए आप गए देखा कि वो बुखार में तप रहे हैं नबी करीम इसत वसलाम ने कहा कि लाब इनशा तो ला, लाबाश्र तो इनशाला कहने लगे कि कोई हरस की बात नहीं ये जो बीमारी है ये जो बुखार है ये बुखार तुमको पाक व साफ कर देगी गुनाहों से पाक व साफ कर देगी सेहतमंदी तुमको अता करेगी तो उस बुजुर्ग ने फौरी कहा कहाँ का तहूर बलह तफूर अला शैखन कबीर तजी कबूर कहने लगा कि ये कहाँ की शफा की बात आप करते पाकि की कहाँ बात आप करने लगे बल्कि ये तो एक ऐसे बूढ़े को बीमारी आ गई है जो उसको कबर तक पहुँचा देगी तो रीबले तो ने कहा कि फनाम एधन अगर आपकी सोच यही तो वैसे ही होगा हुआ वैसे ही हुआ वैसे ही तो ये हदीफ हमें यह बताती है कि हम अपनी बीमारियों में हमेशा मुस्बत रहें मुस्बत सोच रखें अल्लाह से मायूस ना हो क्योंकि अल्लाह से नेक उम्मीदी अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला अमल है और जैसा बंदा अल्लाह ताला के ताल्लुक से सोचे अल्लाह ताला वैसा ही उसके साथ मामला भी करते हैं अच्छी सोच रखें, अल्लाह आपसे अच्छा मामला करेगा आप ये उम्मीद रखें कि अल्लाह आपको शफा देगा तो अल्लाह आपको शफा देगा आप अपने अंदर खौफ ना पालें मायूस ना हो नाउमीद ना हो अल्लाह से उम्मीद रखें आखिरी दम तक उम्मीद रखें क्योंकि एक मुसलमान के हक में हर नया पल हर नया लम्हा हर नया मिनट हर नया दिन खैर लेके आता है हो सकता है उसकी ज़बान से अल्लाह की तारीफ़ निकले जो जन्नत का एक बेहतरीन ख़जाना बन जाए हो सकता है वो एक नमाज पढ़ ले जो उसके गुनाहों का कफारा बन जाए हो सकता है वो सदका खैरात कर दे जिसके जिसके ज़रिए अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाए अल्लाह उसकी मफ़रत कर दे क्योंकि उसके अमाल उसके लिए खैर का बायस बनते हैं भलाई का बायस बनते हैं तो मजदूर हाजरीन हमेशा आप पॉजिटिव रहें और मैं घर वालों से कहूँगा जो उनकी इयादत में हों या कोरोना में थोड़ा सा एहतियात का पहलू इख्तियार करने का डॉक्टर सलाह और मशवरा देते हैं तो एहतियात करते हुए जो भी एहतियात के इकदाम हैं वो अपनाते हुए आप हमेशा मरीज को उम्मीद दिलाएं छोड़ कर ना भागें खिदमत से दूर ना हटें पूरी एहतियात के साथ जो उनकी खिदमत हो सकती हो आप उनकी खिदमत करें उनको उम्मीद दिलाएं उनके साथ आप रहें आपका साथ उनको ताकत देगा आपका साथ उनको एक अंदर से जिला बख्शेगा जिससे वो बहुत जल्दी बेहतर हो सकते हैं बहुत जल्दी अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं और खौफ अपने दिलों में ना पालें मायूसी अपने दिलों में ना लाएं। ये ना सोचें कि वो बीमारी हमें लगेगी क्योंकि देखिए अगर किसी से किसी और को बीमारी मुंतकिल होनी है जब तक अल्लाह की इजाज़त ना हो मुंतकिल नहीं होगी छोटा सा वायरस भी जब तक अल्लाह इजाजत ना नहीं होगा आप अपने वालिद की तो आप उसके बाद अल्लाह पर मजबूत भरोसा रखें कि आपको बीमारी नहीं लगेगी आपको कुछ नहीं होगा इन शह आपको कुछ नहीं होगा भेज दिल्ला आपको कुछ नहीं होगा अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा हाँ ये भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर किसी बीमार का किसी दूसरे को हाथ लग जाए जैसे कहा जाता है कि ये ये ऐसी वबा है जो एक दूसरे से फैलती है यहाँ पर एक बात आप अपने जहन में रखें कि फैलती जरूर है लेकिन अल्लाह की इजाजत से और ये भी मुमकिन है कि अगर हाथ लग भी जाए अल्लाह ताला चाहे तो बीमारी नहीं फैलेगी इसका ही मतलब नहीं है कि आप एहतियात ना करें एहतियात मुकम्मल आप करें इस्लाम एहतियात की तालीम देता है एहतियात के बाद अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए हाथ वाथ लग जाए कुछ ऐसी बे एहतियाती गलती से हो जाए तो आप खौफ दिल में ना पालें यकीन वहाँ पर अल्लाह का मजबूत और करें अल्लाह पर यकीन और बढ़ाएँ कि इन आपको कुछ नहीं होगा तो इन आपको कुछ नहीं होगा तो मजद्रीन अल्लाह तला से दुआ है कि हमारी उम्मत मुसलिमा से जो भी इस बीमारी का शिकार हैं अल्लाह ताली उन को शफाए कामिला आजिला और शफाए तमा नसीब फरमाए अल्लाह ताला इस बीमारी को उनके गुनाहों का कफ़ारा बनिया बनाए और उनके घर वालों की हिफाजत फरमाए जो उनकी खिदमत पर लगे हैं अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और बाकी उम्मत के जो लोग हैं अल्लाह ताला उन तमाम को इस बीमारी से महफूज़ रखे आमीन वसल् वसलम आ नबीना मोहम्मद वाली वसाब अज़माइन वसलम आलैक्म वरमि वबरक